यो ही परस्पर युद्ध चलता रहा। एक दिन दुर्योधन उदास बैठे तो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने जवाब दियो कि आप इतने उदास हैं, कोई कारण? बोले हाँ भाई, मारा गया कर्ण, मारा गया मेरा बेटा लक्ष्मण, मारा गया, सब खत्म होते जा रहे हैं, अब कहाँ जाएं, क्या करें? तो अश्वत्थामा जवाब देते हैं कि हे दुर्योधन जी, किसी ने भी पांडवों को नहीं मार पाया, लेकिन मैं आपसे प्रण करता हूं कि मैं आज आपके सामने पांचों पांडवों को मार के ले आऊंगा। बोले ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पांडव कोई गाजर बूली ना है, तुम काट के ले आओ, उन पर भगवान का हाथ है। बोले नहीं, अरे मुझ पे छोड़ दो। बोले ठीक है, जाइए। रात्रि का समय भगवान ने पांडवों को उठा करके दूसरे सेन कक्ष में लिटा दिया, लेकिन जो पांचों पांडवों के जो मैया द्रौपदी के पुत्र हैं, वो लेटे हुए। अश्वत्थामा रात्रि में आया, उसने पांचों पुत्रों के सिर काटे और काट करके झोली में डाले, लेकर के पहुंचा। दुर्योधन ने जब उन सिरों को दबाया तो जवाब दिया कि ओरे अश्वत्थामा, तेने तो गजब कर दियो। क्यों? हमारी दुश्मनी जो है वो पांडवों से है, उनके बच्चों से नहीं है, क्योंकि अब हमारे पूरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, पूरे परिवार में, न कौरवों में न पांडवों में, अब क्या होगा? और आपका सच्चा दुश्मन वो होता है जो आपसे मीठी मीठी बातें करे और आने वाली पीढ़ी को जो नुकसान पहुंचाए। और महाराज, जो बच्चों से भले ही आपसे भले ही कम बोले, लेकिन अब बच्चों को स्नेह करे, बच्चों से प्रेम करे, वो आपका कभी दुश्मन नहीं हो सकता। सुबह जब रणभूमि में हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हरवला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन, वे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है, आइए। भगवान ने देखा तो पांच पांच पुत्र पड़े हुए, प्रण किया है कि मैं उस अश्वत्थामा को तुम्हारी आंखों के सामने ही मारूंगा। जब ये बात सुनी तो चली ही भगवान अश्वत्थामा को पकड़ा, लेकर के द्रौपदी के सामने पहुंचे। तो द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो जवाब दिया, भैया इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। क्या बोल रही है? बोले हाँ, क्यों? इसने बच्चों को मारा, तेरे पांच पांच बेटे मारे गए। बोले एक बात बताइए, अगर आप इसे मार भी देंगे तो मेरे पांच बेटे वापस आ जाएंगे? बोले नहीं। भैया जाति का कौन है? बोले ब्राह्मण। आप कौन है? यदुवंशी। बोले फिर ठीक है, आप जानते हैं तो आप ये मत भूलो कि ये ब्राह्मण है, और आपने अगर ब्राह्मण पे हाथ उठा दिया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और भैया आप नहीं जानते इसकी माँ है गौतमी, ये अपनी माँ का अकेला बेटा है, मेरे पांच गए तो हमें दर्द पता है,
ये तो अपनी माँ का अकेला बेटा, अगर ये मर गया तो पिता तो पहले ही मेरे भाई धृष्टद्युम्न ने मार दिए, अब वो कहाँ जाएगी, छोड़ दो। अर्जुन का चेहरा देख के भगवान बोले, अर्जुन धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और पहलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर पृथ्वी पर ऐसी माताएं न रहे तो पृथ्वी कभी नहीं टिक सकती, क्या करें। धर्मराज से पूछा ऐसे मारे या छोड़े, तो धर्मराज बोले और जो धर्म ग्रंथ कहते हो वही करो। भीम से कहा मारे या छोड़े, भीम बोले कि अगर आपने छोड़ दिया ना तो मैं मार दूंगा। अच्छा बोला, नकुल सहदेव बोले जो आप बड़े भैया कह रहे वही करो। अर्जुन बोले मार दो, द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, सुभद्रा बोली छोड़ दो, लेकिन भगवान बोले कि हमें पूछो इसका क्या करना है। और भगवान समझाए कि बोले कि हे अर्जुन, धर्म ग्रंथ ये कहते हैं ब्रह्म बंतु नहंति व्यय आति आई बदा हरणा और महायवनो मानवंत यम परिपाई अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। समझ गए, ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना है और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं है। अब बताओ क्या करेंगे। तो बोले मौत के आप किसी को मारेंगे ना तो वो एक बार में ही मर जाएगा, लेकिन एक सजा होती है। जैसे समाज लगाओ, समाज के लोग बैठे हो और आप समाज में किसी की बेइज्जती कर दो, बहुत बड़ा अपमान, और अपमान करके उसे बाहर निकाल दो, तो वो जो मौत वाला होता ना वो एक ही दिन में मर जाएगा, लेकिन जो बेइज्जती वाला होगा ना वो जब जब अपना मुंह दर्पण में देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो द्रोड़ी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई थी, मैया उत्तरा के गर्भ में जा लगा। एकदम से चिल्लाई उत्तरा और जवाब दिया कृष्ण को, मामा पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद पदम पश्ये यत् मृत्यु परशरम। मामा आप मुझे मार दो, मेरे प्राण चले जाए लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। यहाँ बाबा चौपाई भी लिख दे दादा।
पतला से वारी कौन अग्नि से तेज है कौन का जर से कली मेरे भैया कौन का जर से कली जल से पतला ज्ञान पाप भूमि से वारी क्रोध अग्नि से तेज काली गाजर से काली मेरे राजा काली गाजर से काली गर्भ जो था वो जल चुका था, भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले। जिस पे हजार हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है उस पे दो हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक भक्त समझ सकता है प्रभु के बारे में, वैसे कुंती समझ गई। अब बुजुर्ग जरा ध्यान देंगे, दादा जो मैया कुंती है ना, वो समझ गई कि प्रभु ने मेरे वंश को बचा लिया और प्रभु के सामने हाथ जोड़ के बोली कि हे माधव नमस्ते पुरुषत्वाधीवश्वरम प्रगते परम अलक्षरम शरभूताना मंतवर हिरम वस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजा नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज गृह। जवाब दिया हर जीव में हर जगह आप निवास करते हैं, हे माधव मैं आपको जितनी बार प्रणाम करूं उतनी बार कम है, आपने आज मेरे वंश को बढ़ा दिया। भगवान बोले क्या कर रही हो बुआ इतनी स्तुति, अरे मुझसे तो अजब नहीं होगी, मैं तुम्हारा भतीजा ही ठीक हूँ, मुझे ब्रह्म बोलने की जरूरत नहीं है। तो बोले नहीं जरूरत है, आपने मेरे वंश को बढ़ाया है। भगवान बोले अगर नाय मान रही हो, अगर कह रही हो कि हम परमात्मा हैं तो आप हमसे कुछ मांग लो। बोले क्या मांगे, बोले हाँ मांग लो मेरी इच्छा है। बोले सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो। ठीक है, धर्मराज से कहा आप मांगिए। तो धर्मराज बोले कि अगर देना चाहते हो प्रभु तो इतना सा कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस मेरा धर्म कभी नष्ट न हो। भीम से कहा आपको क्या चाहिए, भीम बोले हमारे बल में कभी कमी ना। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, अर्जुन ने कहा मेरा जो साथ आपका है वो हमेशा रहे, द्रौपदी ने कहा भैया आपने मेरी लाज को हमेशा बचाया है आगे भी बचाते रहना तथास्तु। भगवान की एक बहन है जो बड़ी चहेती है, जैसे भगवान द्रौपदी को भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान की बहन है ना सुभद्रा, वो भगवान की बहन है। तो
बोला क्या चाहिए? बहन ने बड़ी प्यारी बात कही कि अरे वीरन, आपके पद रूपी चरण कमलों में, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए। जैसे एक पुष्प में भमरा बैठे, वो पुष्प खुला हो और भमरा अगर बैठे अंदर, वो पुष्प बंद हो जाए तो वही विलुप्त हो जाता है। ऐसे ही मेरा मन आपके चरणों में विलुप्त हो जाएगा। भगवान बोले तथास्तु बहना, अब नंबर वाओ बुआ कुंती को, आप मांगिए। तो कुंती आंखों में आंसू लेके जवाब देती है कि हे गोविंद, अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, एक चीज दे दो। क्या? बोले हमें चाहिए दुख। क्या मांगा? तेज बोलना थोड़ा, दुख। अच्छा, लोग भगवान से कभी दुख मांग सकते हैं? भगवान से लोग कभी दुख मांगेंगे क्या? भगवान बोले बुद्धि ठिकाने पे है, दुख भाई कौन मांगता है? दुख का क्या मतलब है? और तुमने बचपन से अब तक दुख ही दुख झेले, दुख का क्या मतलब है? महाराज बोले कि दुख का क्या मतलब है? आपने बचपन से अब तक तो दुख ही दुख झेले हैं। दादा ये जो कुंती है ना, कुंती, इनका असली नाम कुंती नहीं है, कुंती का असली नाम है प्रथा। ये सूरसेन की बिटिया थी और सूरसेन के पुत्र है वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। प्रथा को बचपन में एक एमपी में, मध्य प्रदेश में एक जगह है मुरैना, मुरैना के राजा थे जिनका नाम था कुंत भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा का नाम था कुंत भोज तो बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। ऐसे व्यक्ति से शादी हुई कुंती की जिन्हें श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, राजा पांडु से। वो तो भला हो जो दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिए थे जिनसे पांचों पांडव हुए। राजा की दूसरी पत्नी थी माधुरी और वो दिखने में बहुत सुंदर थी। राजा ने खुद को नहीं रोका, पत्नी का स्पर्श किया। तो जैसे ही पत्नी का स्पर्श किया तो मृत्यु हो गई। बोले वो पांडवों को मैंने जैसे तैसे बचाया, बचपन में भीम को कौरवों ने चेहरे के लड्डू दे दिए, भलाओ मेरा जो बचा लिया, और तुम आज फिर हमसे दुख मांग रही हो, तुम्हारा पेट नहीं भरता? तो कुंती जवाब दे रही है, कृष्ण जब तक हम पे दुख रहा आपने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन आज जब सुख की बारी आई है तो आज हमें छोड़ के आप द्वारिका जाए रहे, हमें ऐसा सुख चाहिए ही ना जा में तुम ना आयो, जैसे अच्छो तो दुख ही है जो बढ़िया हम झेल तो सकते। तो भगवान बोले जब जब आप बुआ हमें याद करेंगी तब तब मैं आपको दर्शन दूंगा। इतना कह करके प्रभु वहां से चले, पांचों पांडव और मैया द्रौपदी पितामह भीष्म के पास में पहुंचे, जो सरसैया पर लेटे हुए थे। प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए पांचों पांडवों ने, तो कुशलात पूछी है, सत्संग शुरू हुआ। महाराज फागुन के महीने में पितामह भीष्म ने अंतिम सांसें ली है। ओम नाम हरिओम कह किया कृष्ण को प्रणाम, और भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। अंतिम सांसें ली, हर हर गंगा के किनारे दफनाया। आए हैं घर पे तो घर में बड़ी खुशी है, घर में जो है एक पुत्र
ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, दोनों हाथ ऊपर ठके, बोलिए परीक्षित महाराज की। बधाई बज रही है, अगर मैं माता है तो चार खड़ी हो जाए बधाई डालने। मुंह न बनाओ, खड़ी हो बधाई डालो।